नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब के एक और फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेम में अभी आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में सोनेट जो कि बहुत ही ऑसम लग रही है। एंड ये इसका कोई भी अपर वेरिएंट नहीं है, ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट है एचटी के ऑप्शनल। पहले इसमें ऑप्शनल वेरिएंट नहीं आता था, मगर जब से इन्होंने 2024 में फेसलिफ्ट लॉन्च किया है तब से किया ने इसमें भी ऑप्शनल मॉडल एड ऑन कर दिया है। तो ये एचटी के बाद एचटी के ऑप्शनल आता है एंड उसके ऊपर एचटी के प्लस आता है। तो अभी ये रिजेंबलेंस कर रही होगी एचटी के प्लस जैसी ही, मगर ये आपका एचटी के मॉडल ऑप्शनल वाला रहने वाला है। तो इसमें हमें क्या फीचर्स मिलते हैं, क्यों ये कार हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट काफी बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि एचटी के में जो थे कम फीचर्स मिलते थे एंड एचटी के प्लस थोड़ी ओवर प्राइस हो जाती थी, उसको मिला जुला के बीच का मॉडल एक निकाल दिया गया है आपके लिए एचटी के ऑप्शनल। तो चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं कार में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डुअल रिफ्लेक्टर्स में आपको हैलोजन बेस्ड हेडलाइट का सेटअप, कोई भी डीआरएल आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, नीचे यहाँ पे पार्किंग लाइट प्रोवाइड कर दी गई है एंड फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाने वाले हैं। जो ग्रिल है यहाँ पे सिल्वर का यूज करा गया है एंड रॉ ब्लैक का यूज इसमें करा गया है। नीचे यहाँ पे जो देखते हैं तो इसकी प्लेट जो है ये भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगी एंड ये है इसका पेट्रोल वेरिएंट 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको इसमें मिलता है। क्लैडिंग देखते हैं तो ब्लैक कलर की क्लैडिंग आपको ओवरऑल द कार रन होते दिख जाएगी। फेंडर पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं क्योंकि ये है एक सेकेंड बेस मॉडल। टायर सेक्शन की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको वही सेम मिलता है 215/60 R16 इंच का। हाँ, इसमें अब आपको स्टाइलो रिम मिलना शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं भाई कितने बेहतरीन आपको यहाँ पे स्टाइलो रिम इसमें मिल जाने वाले हैं। और वॉल्यूम की बात कर लीजिए तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल्स हैं, मगर कोई भी फोल्डेबल्स नहीं रहते हैं। ऑप्शनल मॉडल में और क्या फीचर्स एड ऑन हुआ है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिल जाने वाली है जो कि नॉर्मल साइज की रहती है। रूफ रेल्स आपको आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है जो कि भाई काफी शानदार लुक प्रोवाइड करते हैं। शार्क फिन एंटीना पहले नहीं आता था तो अब आपको इसमें शार्क फिन एंटीना भी मिल जाने वाला है। बॉडी कलर्स आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 45 लीटर्स की। बैक पोर्शन में आते हैं तो अब यहाँ पे आपको मिल जाता है डिफॉगर, पहले डिफॉगर नहीं मिलता था, अब आपको यहाँ पे डिफॉगर भी मिल जाने वाला है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ पे मिलते हैं आपको, क्या कनेक्टेड डीआरएल्स, मगर ये जो बैक लाइट है ये जलती नहीं है, पूरी नहीं, सिंपल से आपको एलईडीज में जो ये टेललाइट प्रोवाइड करी गई है केवल ये इल्यूमिनेट होती है। नीचे देखते हैं तो बेहतरीन से आपको यहाँ पे बम्पर प्रोवाइड कर दिया गया है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट के साथ। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है अब आपको यहाँ पे जो कि पहले नहीं आता था। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं सिल्वर कलर की स्किड प्लेट एंड बैक लाइट आपको यहाँ पे प्लेस करी गई है। बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 395 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिल जाएगा, मगर कोई भी पार्शियल ट्रे आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बात करते हैं स्टेपनी की, तो स्टेपनी आपको सेम वही साइज का मिलेगा 195/65 R15 इंचेस का आपको यहाँ पे स्टेपनी व्हील प्रोवाइड करा गया है। कोई भी लैंप आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता है, हुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया कुछ हमारा बूट स्पेस। बैक पोर्शन में जैसे मैंने बताया तो आपको यहाँ पे डिफॉगर एड ऑन कर दिया गया है। अब चलते हैं कुछ कार के हम लोग इंटीरियर में, तो यहाँ पे चेंजेस देखा जाए तो भाई ऑप्शनल मॉडल में इन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस करे भी हैं। सिल्वर स्टैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, बॉटल होल्डर स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा, ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स। अब यहाँ पे ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर्स के साथ नहीं आता है। ओवरियम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हाइट एडजस्टमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइडिंग में लेदराइज सीट्स मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। फीचर्स की बात कर लीजिए तो भाई कार आपको काफी ज्यादा फीचर रिच आपको अब आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है, क्योंकि भाई पहले क्या था फीचर्स की कुछ कमी रहती थी, मगर अब वो सब कमी यहाँ पे दूर कर दी गई है। तो कार में एंटर करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील जो है अब आपको यहाँ पे मिलता है सारे कंट्रोल्स के साथ। लेफ्ट साइड में म्यूजिक कंट्रोल्स मिल जाएंगे, राइट साइड में आपको यहाँ पे एमआईडी कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑन करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पहले आपको यहाँ पे केवल बटन वाला मिलता था, अब यहाँ पे टच मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एसी भी अब आपको यहाँ पे मिलने लगी है, पहले इसमें ऑटोमेटिक एसी आपको यहाँ पे नहीं मिलती थी। नीचे आपको अब यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग भी एड ऑन कर दिया गया है जो कि पहले नहीं आता था। यूएसबी आपको कनेक्ट होता है मल्टीमीडिया से। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। गियर लीवर आपको नॉर्मल जैसा पहले आता था वैसा ही, 2 कप होल्डर स्पेस, आर्मरेस्ट जैसा पहले आता था वैसा ही, मतलब बहुत सी बात कर लीजिए तो ये भी आपको डिसेंट अमाउंट का ही मिलता है जैसे पहले आता था।
IRVM आपको मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लैंप्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, सनरूफ जो कि बिल्कुल ही नई इसमें एड ऑन करी गई है, प्रीमियम फीचर है, काफी सही भी लगता है। यहाँ पे अब आपको मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल जो कि पहले फोल्डेबल्स नहीं थे, अब भाई ये काफी सही यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। टोटल 6 एयरबैग्स आपको कार से मिल जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात कर ली जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, पार्क असिस्ट सब आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। स्टीयरिंग व्हील की बात कर लीजिए तो ये आपको टिल्ट मिलता है, कोई भी टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं प्रोवाइड करा गया है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी अब आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो भाई काफी सारे फीचर्स देखा जाए तो इसमें एड ऑन कर दिए गए हैं, काफी सही प्रोडक्ट अभी आपके लिए बन जाता है। बाइक साहब फुल्ली ब्लैकआउट इंटीरियर आपको इसमें मिल जाने वाला है, कार में काफी अच्छा कंफर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलिए सीट को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं सेकंड रो में, देखते हैं कि हमें वहां पे कैसा कंफर्ट मिलने वाला है। तो ये सीट हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है, अब चलते हैं सेकंड रो में, देखते हैं कि कितना स्पेस हमें यहाँ पे मिलता है, क्योंकि भाई ये है कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी। तो सबसे पहले अगर डोर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अब आपको कर्टेंस भी प्रोवाइड हो गए हैं कंपनी की तरफ से, जो कि भाई पहले एसटीके प्लस में भी नहीं आता था। जो फेसलिफ्ट से पहले जो कार आती थी उसमें एसटीके प्लस में भी ये कर्टेंस नहीं आते थे, तो अब एसटीके ऑप्शनल से आपको ये सब मिल रहा। तो आप देख सकते हैं भाई कंपनी कितना ज्यादा फीचर्स अब आपको सेकंड बेस वेरिएंट में भी दे रही है। पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। एंटर करते हैं कार में, तो मेरी हाइट 6 फीट है, देख सकते हैं मुझे यहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट भी यहाँ पे हमें ठीक ठाक ही प्रोवाइड हो जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, 2 सी टाइप चार्जिंग भी पीछे प्रोवाइड कर दी गई जो कि भाई काफी अच्छी है। 3 सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। सेंटर में आपको लैंप मिल जाएगा, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है एंड ना ही कोई आर्मरेस्ट मिलता है। सेकंड बेस वेरिएंट में आप ये सब कंपनी से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सब कुछ सेकंड बेस वेरिएंट में ही दे देगा तो टॉप वेरिएंट की तरफ कौन जाएगा। तो इसलिए कुछ फीचर्स की कटौती करी जाती जो कि कहीं हद तक सही भी लगती है हमें भी। तो ये कुछ भाई हमारा था सेकंड रो का लुक, अब चलते हैं देखते भाई इंजन हमें इसमें कैसा मिलने वाला है, क्योंकि भाई ये है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो चलिए ओपन करते हैं इसका हम लोग बोनेट, यहाँ से आप इसका लीवर ओपन कर सकते हैं, बोनेट की देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड होल्ड फॉर बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाने वाला है, तो ओपन कर लिया जाए बोनेट। चलिए भाई ओपन करते हैं बोनेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलता है वही पुराना 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस कर 149 Nm का टॉर्क एंड 83 PS की पावर। पावर आपको थोड़ी अंडर पावर लगेगी क्योंकि अब भाई जमाना आ गया है कम से कम 100-110 BHP का, मगर अभी भी ये 83 BHP केवल दे रही है। जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको पावर की कमी थोड़ी थोड़ी महसूस होती है, जब आप प्लेन्स में चलाएंगे तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ माइलेज आपको इसमें मिल जाता है 16-17 के आसपास माइलेज आपको मिल जाएगा हाईवे पे, और अच्छी एफिशिएंसी चाहते हैं तो कार को 80 पे चलाइए और आराम से 19 तक का माइलेज आराम से आप इस कार से निकाल सकते हैं। पहाड़ों पे भाई इस कार का माइलेज 16-17 के आसपास मिल जाएगा, सिटी ड्राइव में आपको 13-14 तक का माइलेज आराम से मिल जाने वाला है। तो ओवरऑल देखते हैं कार काफी अच्छी निकल के आ जाती है एंड इस प्राइस ब्रैकेट में ये कार काफी अच्छी रहती भी है। जो कार की प्राइसिंग है वो अभी आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी आप, क्योंकि ये है एक ऑप्शनल मॉडल, तो भाई मुझे तो काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये लग रहा है। एसटीके के कंपैरिजन में देखा जाए और एसटीके प्लस के कंपैरिजन में देखा जाए तो 20 का मॉडल ये है और काफी सही है। इसमें मिनिमम फीचर जो एक आदमी को चाहिए वो सारे हैं। इंडियन कार मार्केट को देखते हुए किया ने बहुत ही अच्छा ये मॉडल निकाल दिया, ये वेरियंट निकाल दिया है जो की काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। कार में जो भी नए एडवांस है वो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।